दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के शहरी क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में हो रही गृहभेदन की घटनाओं का नालंदा पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 3 अपराधियों को हथियार, कारतूस, लूटी गई मोटरसाइकिल और सोने चांदी के कई आभूषण समेत कुल 27 प्रकार के सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान नालंदा जिले के सोसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत खासगंज निवासी मंजर आलम के पुत्र मोहम्मद आमिर उर्फ बुतला, नूरसराय थाना क्षेत्र के साकसराय निवासी मोहम्मद अशरफ का पुत्र मोहम्मद इरफान आफताब उर्फ टीआई, बिहार थाना क्षेत्र के छज्जू मोहल्ला निवासी मोहम्मद जमाल का पुत्र मोहम्मद सैफू सैफ उर्फ लालू के रूप में की गई है। बिहार शरीफ सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि नालंदा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चोरी की घटित घटना के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा त्वरित गति से अनुसंधान प्रारंभ करते हुए चोरी के कांडों में पूर्व से आरोप पत्रित संदिग्ध फरार अभियुक्तों की गतिविधि का सत्यापन कराया गया एवं तकनीकी अनुसंधान के जरिए पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए शहरी क्षेत्रों में हुए गृहभेदन की घटनाओं में शामिल कुल 3 अपराध कर्मियों को 2 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 1 लूटी गई अपाची मोटरसाइकिल, आधा किलोग्राम गांजा के अलावे अलग अलग गृहभेदन की घटनाओं में चोरी की गई भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण को बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है और इन लोगों के ऊपर जिले के अलग अलग थानों में कुल मिलाकर आधा दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज है। बिहार शरीफ सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि गिरफ्तार अपराध कर्मियों के द्वारा घटनास्थल का पूर्व से रेकी किया जाता है, विशेषकर उन घरों को टारगेट करते हैं जो कुछ दिनों से बंद पड़े रहते हैं तथा बाहर से देखने पर अंधेरा नजर आता है और मौका पाकर लोहे की रॉड इत्यादि की सहायता से दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो बड़ी खबर हम आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां नालंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गृहभेदन की घटनाओं का उद्भेदन किया है और 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।